भाइयों और बहनों, आपने मुझे आमंत्रित किया और एक ऐसे विषय के लिए जिसके साथ अभी मैं फिलहाल मैं उसी में बड़ा कंज्यूम्ड हूँ। और अभी आपने जनरल साहब की बातें सुनी और आपको महसूस हुआ होगा कि वो बहुत सही फरमा रहे थे, उनका गुस्सा वाजिब था। और ये गुस्से को शांत मत होने दीजिएगा, नहीं तो बहुत बड़ा हमको इसका प्राइस पे करना होगा। इन्होंने आखिरी में एक बात कही कि अब समय आ गया है कि हम चीजों को ब्लैक एंड व्हाइट में हम बताएं। तो मैं कुछ दिन पहले एक टेलीविजन चैनल पे था, तो मैंने यही बात कही थी। उन्होंने हमसे पूछा कि आप सोल्यूशन बताइए, तो मैंने कहा सोल्यूशन तो सबसे बड़ा सिंपल है, आप चीजों को ब्लैक एंड व्हाइट में अब देखिए, ग्रे का आपको स्कोप है नहीं। तो ब्लैक एंड व्हाइट से मेरा क्या मतलब है कि जो बाटला हाउस एनकाउंटर जिन्होंने किया, या तो वो एंटी नेशनल थे या वो पॉलिटिशियन जो उसको क्वेश्चन कर रहा है वो एंटी नेशनल है, दोनों चीजें तो हो नहीं सकती। हेमंत करकरे एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी से बात कर रहे थे और वो ऐसी चीजें उनसे शेयर कर रहे थे जो कि ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट का एक ब्लेटेंट ब्रीच था। तो या तो करकरे एंटी नेशनल थे, या नहीं तो ये पॉलिटिशियन एंटी नेशनल था, या दोनों ही एंटी नेशनल है। 26/11 के बाद एक किताब लिखी गई, 26/11 आरएसएस की साजिश, उसको या तो लिखने वाला एंटी नेशनल था, या उस बुक को रिलीज करने वाला एंटी नेशनल था, या दोनों ही एंटी नेशनल था। तो ये ब्लैक एंड व्हाइट आप डिसाइड कर लीजिए, ये दो बातें नहीं हो सकती हैं। ये फोक टंग से ये कुछ राजनीतिक लोग ये सोचते हैं, पार्टियां, कि एक से ये कहवा दो, दूसरे से ये कहवा दो, वो उधर भी हम अच्छे बने रहे, इधर भी अच्छे बने रहे। तो ये देखिए, ये कि लड़ाई की जो जो आपका जो जो आपका परसेप्शन है, लड़ाई की परसेप्शन को आप चेंज कर दीजिए। लड़ाई जारी है, ये प्रॉक्सी वॉर चल रहा है, इसको जो भी नाम दे दीजिए, प्रॉक्सी वॉर कह दीजिए, सब कन्वेंशनल वॉर कह दीजिए। और ये प्रॉक्सी वॉर क्या है, ये पिछले जैसा जनरल साहब ने कहा कि 20 साल से ये प्रॉक्सी वॉर आप चल रहा है। आप बताइए कि ये प्रॉक्सी वॉर कितना डेंजरस वॉर हो सकता है, और इसके इसके इस वॉर के सोल्जर्स कौन है? इस वॉर के सोल्जर्स वो केवल बम धमाके करने वाले नहीं है, वो तो है ही, उनको बीच बीच में जो मॉड्यूल्स हैं उनको एक्टिवेट किया जाता है। उस प्रॉक्सी वॉर के जो मेन सोल्जर्स हैं, ये जर्नलिस्ट, हम नहीं लूंगा किसी का, वो आए, टॉपिक कुछ और था, पॉलिटिसाइजेशन ऑफ टेरर पे था, जिसके बारे में मैं बाद में बात करूंगा आपसे। उन्होंने, ऐसा लग रहा था कि जैसे उनको एक वो ब्रीफ लेके आए, वो है तो जर्नलिस्ट लेकिन हम उनकी सारी कनेक्शन सब जानते हैं, इस पार और उस पार उनकी कनेक्शन सब दोनों तरफ जानते हैं। तो उन्होंने सीधे शुरू कर दिया और बड़े चतुराई से। कैसे शुरू किया कि भाई मैं तो एक जर्नलिस्ट था और मैं आईबी के भी बीट में रहा हूं, रॉ के भी बीट में रहा हूं, और बड़े अच्छे ऑफिसर हैं, और कुछ खराब ऑफिसर भी हैं, और राजेंद्र कुमार जैसे भी खराब ऑफिसर हैं। अब बताइए, इतनी चतुराई से उन्होंने राजेंद्र कुमार को पहले ही गिल्टी ठहरा दिया। तो ये प्रॉक्सी सोल्जर्स, अब आप बताइए कि
कि जब भी कोई बात होती है हिंदुस्तान पाकिस्तान वार्ता या पीस वार्ता शांति वार्ता की, कोई ये नहीं क्यों नहीं पूछता कि यार वो जो 40 कैंप है पीओके में उसको बंद करवा दो। किसी ने ये उठाई है बात? मत भेजो किसी को। 26/11 होता है, 26/11 के खून के छींटे अभी शायद सूखे भी नहीं थे, और आपके एक मुख्यमंत्री जिनका कोई बॉर्डर नहीं है पाकिस्तान से, जिनका कुछ नुकसान फायदा नहीं है पाकिस्तान से, वो पाकिस्तान का दौरा करते हैं। किसी ने देश में ये सवाल पूछा नहीं कि आप किस लिए गए थे पाकिस्तान? क्या आप फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लेने गए थे? क्या 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 आप सेक्युलरिज्म का पाठ लेने गए थे उनसे, या वो क्या स्पेशल पैकेज विशेष राज्य दर्जा उनसे मांगने गए थे? तो ये सवाल देखिए, मैं डिप्लोमेसी में ये विजिट्स इतने आसानी से अरेंज नहीं होती है। पाकिस्तान जैसा भूखा नंगा देश, इतना इतना पैसा वो किसी डेलीगेशन पे ऐसे नहीं खर्च करेगा। वो जरूर कोई मकसद होगा। क्या मकसद था ये सब आप अंदाजा लगा लीजिए। आज जो इंडियन मुजाहिदीन का जो हब हो गया है, आप देख लीजिए कहां से कहां शिफ्ट किया है। ये क्या ये महज महज कोइंसिडेंस था? ये पॉलिटिसाइजेशन ऑफ टेरर का मैं एक और बात आपको बता रहा हूं। इसके पहले कुछ चंद साल पहले इलेक्शंस हुए, दो राजनीतिक पार्टियों के लीडर ओसामा बिन लुक लाइक्स को लेके कैंपेनिंग कर रहे थे। उस बेचारे को वो फेस ओवर देके 500 रुपया उसको देते थे, मुझे मालूम है, और वो उसको जगह जगह ले जाते थे। तो आप बताइए साहब, आप क्या कॉन्स्टिट्यूएंसी बिल्ड करना चाह रहे हैं? ये जो राजनेता जो गए पाकिस्तान, तो उनके मैंने एडवाइजर से पूछा कि ये बताइए ये क्यों गए थे पाकिस्तान। तो बहुत पेस्टरिंग के बाद वो बड़े ऊब के बोले कि आपको जब मालूम है तो पूछ क्यों रहे, वोट बैंक के लिए गए थे। आप बताइए ये कितना डेंजरस डिस्कोर्स है, कि अगर आप ये सोचते हैं कि पाकिस्तान जाने से मेरे वोट बैंक में इजाफा होता है, तो ये कितनी डेंजरस सोच है। आप समझ लीजिए इसको। तो ये जो प्रॉक्सी वॉर जो है, ये हर स्टेज पे लड़ा जा रहा है। और मैं आपको एक और बात बता दूं, जनरल साहब से मेरी बात होती रहती है। देखिए, ये जो प्रॉक्सी वॉर होता है, ये इंटेलिजेंस एजेंसीज का काम होता है। प्रॉक्सी वॉर जो पाकिस्तान के द्वारा जो चलाया जा रहा है, उसमें वहां का जो मिलिट्री इंटेलिजेंस कॉम्प्लेक्स जो है, यानी कि ISI और मिलिट्री का जो वो है, उसके तहत ये पूरा ऑर्गेनाइज होता है। प्रॉक्सी वॉर में पाकिस्तान ने माहिरता हाजिर कर ली है, क्योंकि जब सोवियत इन्वेजन हुआ था अफगानिस्तान पे, उस समय इन्होंने अमेरिकन के साथ मिलके एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी थी। और उस समय से आप देखेंगे कि ये इनकी जो जो एक्सपर्टीज है प्रॉक्सी वॉर में, ये बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं कि इसको पॉलिटिकली कैसे मैनेज करना है, इसको डिप्लोमेटिकली कैसे मैनेज करना है। और इनको ये भी मालूम है कि जो अमेरिकन्स हैं, इनको कैसे बेवकूफ बनाना है। वो हमारी और आपकी तरह सेड्यूस नहीं होते हैं, वो भी अपने बच्चों को भेजते हैं अमेरिका, लेकिन वो उनको ये भी मालूम है कि बेकूफ कैसे बनाया जाता है। तो उस प्रॉक्सी वॉर में वो बड़े वो महारता वो हासिल कर चुके हैं, और हम उसका नुकसान जो भुगत रहे हैं, ये तब तक इससे निजात नहीं मिलेगा जब तक हमें ये एहसास नहीं होगा देश के लोगों को कि ये लड़ाई जारी है।
क्या होता है कि हम जब भी कोई एक बड़ा सा कोई हमला हो जाता है तो एक लोग सारे टेलीविजन चैनल्स पे वो बड़े बड़े वो आप क्या चाहते हैं, लड़ाई चाहते हैं? अरे कौन किस लड़ाई की बात करो, लड़ाई तो हो रही है। वो अपने मन से निकाल दीजिए कि लड़ाई का मतलब है वो झंडा फहराना और ऊपर टैंक के ऊपर भांगड़ा करना। वो लड़ाई के तरीके बिल्कुल बदल बदल चुके हैं। अब देखिए आप इस प्रॉक्सी वॉर का आप कैसे मुकाबला कर रहे हैं। मैंने कहा कि ये प्रॉक्सी वॉर इंटेलिजेंस वॉर्स होते हैं, तो इंटेलिजेंसी चलाते हैं। हाल फिलहाल में क्या हुआ, सबसे पहले आपने एक ऑफिसर था कर्नल पुरोहित मिलिट्री इंटेलिजेंस का, वो ऑफिसर की अभी कोर्ट ऑफ इंक्वायरी हुई जिसमें 3 दर्जन से ज्यादा ऑफिसरों ने इस बात की पुष्टि की कि वो सभी को लूप में लिया हुआ था। उस ऑफिसर ने इंडियन मुजाहिदीन और लश्करे तोयबा में वो इन्फिल्ट्रेट कर गया था। महाराष्ट्र का एटीएस जो था इस ऑफिसर को बुलाता था लेक्चर लेने के लिए, और 26/11 के 15 दिन पहले इस ऑफिसर को इन लोगों ने अरेस्ट कर लिया। आज भी कोई भी उस पर पुख्ता चार्ज नहीं है, और मुझे इस बात की आशंका है कि जितने लोग हैं पता नहीं ये बच के भी जेल से निकलेंगे कि नहीं, मुझे इस बात की बहुत आशंका है। उसके बाद आपने क्या किया, बड़े ध्यान से सुनिएगा, मैं हमें हमेशा तथ्य बोलता हूं, अगर मेरा फैक्ट्स कहीं पे गलत हो जरूर पॉइंट आउट कीजिएगा कि मैं गलत चीजें बोल रहा हूं। उसके बाद जो कोर है आपका इंटरनल सिक्योरिटी का इंटेलिजेंस ब्यूरो, उसको टारगेट किया जाता है। उसी समय जब ये चीज हो रही होती है तो आप एक पंजाब में एक इंस्पेक्टर रैंक का आदमी खड़ा हो जाता है, सुरजीत क्या नाम था, जो भी सिंह था, वो कहता है कि मुझे केपीएस गिल ने मेरे से 83 फॉल्स एनकाउंटर किए थे। आप बताइए किसी इंस्पेक्टर रैंक आदमी की इतनी मजाल हो सकती है कि वो बिना किसी से किसी प्रलोभन के इतने साल बाद, और ये सब चीजें एक साथ हो रही है। उसके बाद साहब आपने गुजरात पुलिस के तो आप बताइए कि वहां के इंटरनल सिक्योरिटी को क्या होगा। तो ओवरऑल आप देखें तो एक बहुत ही सिस्टमेटिक अटैक है ये आपके पूरे इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन का। और जो इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन जो कि प्रॉक्सी वॉर का काउंटर वो कर सकती है, उनको आपने क्या किया कि एक दूसरे से लड़वा दिया, सीबीआई को आईबी से लड़वा दिया, मालेगांव 2006 के केस में आपने महाराष्ट्र एटीएस को सीबीआई और एटीएस को एनआईए से लड़वा दिया। आप बताइए अगर कोई भी पैट्रियोटिक प्राइम मिनिस्टर होता तो ये कौन सी बड़ी चीज है कि इसको वो खुद इसका रिजॉल्व नहीं कर सकता था। एजेंसीज में हमेशा से राइवलरी रहती है, और मैं इस राइवलरी को बहुत हेल्दी मानता हूं। कभी कभी डुप्लीकेशन मल्टीप्लिसिटी ऑफ इंटेलिजेंस बहुत जरूरी है। तो आप अगर आप ही के सरकार के नीचे सीबीआई भी है, आप ही के सरकार के नीचे आईबी है, आप दोनों को मिला के सब सभी एजेंसीज को मिला के आप इसको रिजॉल्व कर सकते थे, लेकिन नहीं, आप विच हंटिंग करना शुरू कर दिए। और मैं आपको बता दूं, मैं भी रॉ में नौकरी कर चुका हूं, और मेरे को अगर कोई सीबीआई में इंटरोगेशन के लिए बुलाता, चाहे मैं अपनी जान दे देता, मैं नहीं जाता इंटरोगेशन के लिए। अगर मैं आईबी का डायरेक्टर होता, मैं राजेंद्र कुमार मेरे डेड बॉडी पे जाता।
देखिए क्या है कि एक इंटेलिजेंस एजेंसीज का काम क्या होता है। हम कुछ हमको कहीं से इंफॉर्मेशन मिलता है, एक नेटवर्क होता है और वो नेटवर्क बहुत तरह का नेटवर्क होता है। हम जब कोई भी इंफॉर्मेशन देते हैं तो उसमें बहुत इंटरनल चेक्स होते हैं कि आपका सोर्स क्या था, उस सोर्स का क्रेडिबिलिटी क्या है, ये सारी चीजें चेक होती हैं। और जिस लेवल पर अगर आप जितना हायर लेवल पर आप भेजेंगे उतना ज्यादा स्ट्रिंजेंट चेक होता है। मैं ये नहीं कहता हूं कि गलतियां नहीं होती होंगी, गलतियां जरूर होती है, लेकिन कभी मोटिव में कोई गलती नहीं होता है। ऑफिसर इनकॉम्पिटेंट हो सकता है, ऑफिसर अपना हो सकता है कि वो कोई उसमें कोई डिले कर जाए अपने काम में, या उसको काम में कुछ समझने में गलती हो जाए, लेकिन कोई ऑफिसर, मैं 99.999% की बात कर रहा हूं, वो कभी भी क्रिमिनल मोटिव से या एंटी नेशनल मोटिव से वो कभी, ये चीज आप मान लीजिए। तो एक आईबी ऑफिसर का किया, वो इनपुट का वेरासिटी चेक होता है और उसके बाद से उस पर कार्रवाई होती है। और देखिए, एक एफिडेविट के बारे में आपको सबको मालूम है, एफिडेविट हुआ, फिर उसको एफिडेविट को रिवाइज किया गया, और ये बड़ा कोइंसिडेंस था कि एफिडेविट, आप देखिएगा कि जब ये रिवाइज हुआ है उसी समय इनके खिलाफ जो ये था वो इनिशिएट हुआ, क्योंकि ये पूरे जो कॉन्स्पिरेसी ये बनाया था इसमें एक ही रोड़ा था, ये एआईबी का इनपुट, तो उसको किसी उसको भी सैक्रिफाइस करने में इन्होंने दो बार नहीं सोचा। तो आज ये स्थिति है देश में कि कोई भी जो इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन में जो लोग इनपुट देते हैं वो 10 बार सोचेंगे कि हम दें कि ना दें, अगर देंगे तो हमको कार्रवाई की जाएगी। और पहले देखिए, हम सब लोगों ने बहुत ये इंटेलिजेंस का गेम जो है ये साधु संतों का गेम नहीं है, इसके लीगैलिटी में जाएंगे तो आपको एक इंफॉर्मेशन नहीं मिल सकता है। किसी ऑर्गेनाइजेशन में अगर इन्फिल्ट्रेट करना भी इलीगल है। आज मैं यहां बोल रहा हूं, हो सकता है कोई आईबी वाले बैठे हुए हो यहां पे मेरी बात सुनने के लिए, वो भी इलीगल है एक तरीके से, क्योंकि उन्होंने आपसे परमिशन नहीं लिया। लेकिन अगर वो ऐसा कर रहे हैं तो वो उनका ड्यूटी है, बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो आप अगर इस तरीके से पॉलिटिसाइज करोगे इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशंस को, तो आप किसके कहने पे ये कर रहे हो? मुझे ऐसा लगता है कि कहीं पे इन लोगों को हफीज सईद से बहुत डर है। नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, आप इसको बहुत सीरियसली लीजिए। देखिए, जिस तरीके से ओसामा बिन लादेन अमेरिका के लिए था, उसी तरीके से हफीज सईद हमारे लिए। तो आज ये क्यों, हफीज सईद साहब, ओसामा जी, ये कहां से ये हुआ? और आप लोग कहेंगे कि ये टेरर का सेंटर क्या है, ये कहां से फैसिलिटेट हो रहा है टेरर? तो ये टेरर वहीं से फैसिलिटेट हो रहा है जहां से कि जब विनायक सेन को बेल मिलता है उसके चंद दिनों के अंदर उनको प्लानिंग कमीशन के
हेल्थ कमेटी का मेंबर बनाया जाता है। वो एपी सेंटर वही है जहां पे लोग ओसामा जी और हफीज सईद कहते हैं। अब वो क्या है, कौन सा पथ है, बहुत से यहाँ पथ है, शांति पथ भी है, वो क्या जनपथ भी है, बहुत सारे पथ है। हाँ, तो ये कहां से ये रेगुलेट हो रहा है, ये मुझे नहीं मालूम। और मैं आपको एक और बात बता दूं, मैंने ये 26/11 के पहले ये जितने जो पैटर्न ऑफ अटैक्स है, मैंने पूरा उस पर स्टडी किया हुआ है। अगर अजमल कसाब नहीं पकड़ा गया होता तो सारी इसकी पूरी तैयारी की जा चुकी थी। आप अगर ध्यान देंगे तो हिंदू टेरर का उसी के 2 महीने पहले पहला केस आया, और वो एक छोटा, वो मोदासा में एक ब्लास्ट हुआ था छोटा सा, और एक वहां पे मालेगांव 2, 2008। ये मेरे एनालिसिस के मुताबिक इसलिए किया गया था कि ताकि जब 26/11 हो तो एक बैक इंडियंस को शॉक न लगे कि हिंदू टेरर नाम का भी कोई चीज है। लेकिन ये इस धरती का सौभाग्य कहिए कि वो अजमल कसाब को पूरे इंस्ट्रक्शन थे अपने आप को उड़ा लेने के लिए, वो पकड़ा गया। लेकिन इनको दो जगह बड़ी समस्या हो रही है। इनको एक हो रहा है वो समझौता ब्लास्ट को लेकर, क्योंकि समझौता ब्लास्ट में डेविड हेडली की जो मोरक्कन वाइफ जो है थी, फौजिया उतला अब नाम, उसने अमेरिकन एम्बेसी में खुद जाके बोला था कि मेरे हस्बैंड ने ये किया है। यूएस का जो ट्रेजरी डिपार्टमेंट है वो आज तक इस चीज को मेंटेन करता है कि ये लश्करे तोयबा का हाथ था, और इसका जो मेन कोऑर्डिनेटर था एक कराची बेस्ड बिजनेसमैन कम लश्करे तोयबा एक्टिविस्ट आरिफ कासमानी, उसका हाथ है। तो ये थ्योरी में, क्योंकि जहां जहां सो कॉल्ड मतलब जो मुस्लिम कैजुअल्टीज, वो इनका कहना था कि ये इन्हीं का काम है, तो ये फंस गए आके समझौता में। और दूसरी जगह ये कहां पे फंसे हैं आके, ये 2006 वाले जो आपका ये मालेगांव ब्लास्ट, एक 2008 में हुआ था और एक 2006 में हुआ था। अब वहां पे आरडीएक्स इस्तेमाल हुआ था, अब ये स्टैब्लिश नहीं कर पा रहे हैं कि ये आरडीएक्स कहां से आया। आप अखबारों में थोड़ा ज्यादा ध्यान से पढ़िएगा इन चीजों को, ये इतने बेवकूफ हैं। अरे कहानी बनाओ तो थोड़ी मतलब उसका वो सोच समझ के बनाओ। पहले ये कहे नहीं, ये आर्मी से इन्होंने आरडीएक्स निकाला, तब नेक्स्ट डे किसी ने बोला कि भाई आर्मी में तो आरडीएक्स होता ही नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो प्रॉक्सी वॉर हम देख रहे हैं ये बड़ा डेंजरस प्रोपोर्शन है। इसमें पॉलिटिशियन शामिल है, इसमें जर्नलिस्ट शामिल है, इसमें सो कॉल्ड ये जो आपके लिबरल इंटेलेक्चुअल्स हैं वो शामिल है। तो ये देखिए अभी क्या है कि मुझे नहीं मालूम कि अगली वारदात जो होगी, जैसे अभी गया में हुआ, ये इसमें मुझे तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। अभी कुछ ही 1-2 साल पहले क्या हुआ था, जब ये रोहिंग्या के इनके क्लैशेस हुए, अभी जो क्लैशेस हो रहे हैं वो म्यांमार के बिल्कुल हिंटरलैंड में हो रहे हैं, वो तो वो जो क्लैशेस थे वो ट्रेवल किए वहां पे साउथ सदर्न बांग्लादेश में। सदर्न बांग्लादेश में आप लोग को शायद नहीं मालूम होगा, कई बुद्धिस्ट टेम्पल्स डिस्ट्रॉय हुए वहां पे। उसके बाद ये आया कोकराझार में, कोकराझार से ये आजाद मैदान मुंबई में, मुंबई से ये ट्रैवल किया आपको पुणे में, पुणे से हैदराबाद, हैदराबाद से बेंगलुरु, और उसके बाद कितना बड़ा एग्जोडस हुआ जो हमारे बच्चे हैं नॉर्थ ईस्ट के। तो ये जो लोग इतने सरप्राइज दिखा रहे हैं, अगर कोई ये पूरे इंटरनेशनल इवेंट्स को फॉलो करता है तो इसमें तो कोई सरप्राइज की बात नहीं है।
देखिए, जब तक आप प्रॉब्लम को डिफाइन नहीं करेंगे, उसका सलूशन नहीं निकलेगा। और ये बड़ा आजकल एक ट्रिक निकल गया है कि जैसे ही आपने बोला, कोई एक वर्ड ले लिया, इस्लाम बोल दिया, मुस्लिम बन दिया, अरे कौन कहता है? कौन? ना ना कोई इस्लाम टेररिस्ट है, ना हिंदू हिंदू टेररिस्ट है। ये एक वेव चल रहा है और इस वेव को कोई नहीं नकार सकता है। मैंने पाकिस्तान के नेशनल एक फॉर्मर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर से मैंने खुद बात की और उन्होंने मैंने उनसे पूछा कि क्या पाकिस्तान आर्मी में रेडिकलाइजेशन है, तो उन्होंने कहा कि मैं डिनाई नहीं कर सकता हूं। और उन्होंने कहा कि यही कि मैं ये बात उन्होंने मेरे से कही कि मैं अपने गांव में गया और मैं देखा कि एक वहां पे मस्जिद है, नया मस्जिद कहते उसमें केवल 4-5 लोग जा रहे हैं। तो मैंने पूछा ये मस्जिद कौन सा है? तो है ही उसके बगल में एक मस्जिद। तो लोगों ने कहा ये वहाबियों का मस्जिद है। तो एक वहाबी वेव ये पूरे दुनिया को कंज्यूम कर रहा है, इसको एक्सेप्ट करने में क्या ये है? ना इसका मुस्लिम से लेना देना है कुछ, ना इस्लाम से लेना देना है। तो उसी तरीके से ये वहाबी का जो वेव जो है वो हमारे धरती पे भी आ गया है। तो जब तक इस बात को आप कबूल नहीं करोगे, आप इसको कभी भी इसका आपको सलूशन नहीं मिला। रही बात इंटेलिजेंस एजेंसी की, मैं नहीं समझता था कि मुझे एक ऐसा वक्त भी देखने को मिलेगा। और ये एक इत्तेफाक नहीं है। मैं फिर दोबारा कहता हूं कि अगर कोई भी पैट्रियोटिक प्राइम मिनिस्टर होता तो उसको ये बहुत पीड़ा होती कि ऐसा क्यों हो रहा है। और वो सारे इंटेलिजेंसी को बुला के वो जो ऐसे ऐसे चीजें जो होती रहती हैं उसको वो रिजॉल्व करता, ना कि उसको उनके फैन करता, उनके जो भी ऐसे जो डिफरेंसेस उभर के, तो यहाँ तो डिफरेंसेस प्लांट किया हुआ है। तो मैं यहीं पर अपनी बात खत्म करूंगा। क्वेश्चन आंसर सेशन में आप क्या जो सवाल होंगे तो उस समय मैं और भी तफसील में जो कुछ छूट गया है मैं बताऊंगा। मेरे को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।